हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल मैथ के शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों, मेरा टॉपिक रहा टाइम एंड वर्क। दोस्तों, इसका मैं पार्ट टू भाग लेके आया हूं। पार्ट वन में दोस्तों मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ दो टाइप्स जो है डिस्कशन किए थे। पार्ट टू में दोस्तों मैं इसके और डिफरेंट तरीके हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को मैं आपको इस पार्ट टू वेब में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पार्ट वन में मैं कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आप पार्ट वन को देखिए। आइए, मैं पार्ट टू भाग में आपको केवल क्वेश्चन डिस्कशन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, पार्ट टू में दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया, आइए मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये रहा, ये टाइप थ्री है क्वेश्चन। दोस्तों, मैं टाइप टू जो है पहले पार्ट में बता चुका हूँ और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। पार्ट थ्री में मैं आपसे डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे बात करता हूँ। दोस्तों, टाइप का मतलब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पे मैं टाइप दिखा हूँ। मान के चलिए कि ये मेरा क्वेश्चन है। इस तरीके से डिफरेंट तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टाइप मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि ये एक अलग टाइप है इस क्वेश्चन का। दूसरा टाइप आपको इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। दोस्तों, आइए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन पे। ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिन में करता है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन ध्यान से बारीकियां समझते रहें कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमें इतना टाइम नहीं रहता कि हम क्वेश्चन को कई बार रिपीट करें, कई बार पढ़ें। तो एक ही बार में ऐसा पढ़ें और जब हम पढ़ते रहें तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन ये बातें क्लियर हैं, ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, हमसे ये क्वेश्चन का ये आंसर पूछ रहा है। कहने का मतलब हमें यहाँ आंसर देना है। बी से काम करवा रहे हैं, इससे काम करवा रहे हैं, कितने दिनों में करवा रहे हैं, कौन किस काम को कितने भाग कर रहा है। तो इस तरीके से हमें यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ें और हम एक बार पढ़ते ही क्लियर कर लें। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ने का हमें मौका नहीं रहता। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इससे ज़्यादा टाइम जाता है। टाइम गया तो आप शायद एक कंपटीशन से दूर होते चले जाएंगे। तो आपको टाइम ही बचाना है। एग्ज़ाम हॉल में आपका सबसे बड़ा साथी है, तो टाइम आप बचा लिए तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन मेरा है, मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है तथा ए तथा बी, कहने का मतलब ए तथा बी आगे लिखा है मिलकर, इसका मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलेंगे, उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल यहाँ पे बी को टारगेट किया जा रहा है, बी को अकेले पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको जब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपके दिमाग में शॉर्ट ट्रिक तो रहेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक बनाया जाता है। क्वेश्चन से हट के शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाया जाता। जो क्वेश्चन कहता है उसी पे हम शॉर्ट ट्रिक इस्टेब्लिश करते हैं या शॉर्ट ट्रिक उसी के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप मेरे इस सर्कल वाले पार्ट को देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए जितना मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। दोस्तों, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ। यहाँ कह रहा है एक किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। इसका मतलब यहाँ ए से बात किया, ए 16 दिन में किसी काम को, आपको मैं दोस्तों पहले एक फार्मूला बता चुका हूँ, M1 D1 H1 / W1 M2 D2 S2 / W2। दोस्तों, इस तरीके का मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ। अब उसी फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे मैं ये जो सर्कल किया हूँ, इस सर्कल वाले भाग में आपको मैं उसी की हेल्प से बनाया हूँ और उसकी हेल्प से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क जो हमें मिला है उससे हम बी के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे मैं इसको सॉल्व किया। दोस्तों, आप केवल इस पार्ट को देखिए।
यहाँ पे दोस्तों ए किसी काम को 16 दिन, कहने का मतलब किसी काम से अगर बात किया जाए तो किसी काम को हम पूरा एक काम मान लेते हैं। एक काम देखिए यहाँ पे, एक किसी काम के 2/3 भाग को, कहने का मतलब इसके 2/3 भाग को 16 दिन में किया है। 16 दिन में देखते जाइए दोस्तों, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, एक किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में, आगे लिखा है ए तथा बी उसी काम को 12 दिन में, कितने भाग काम को, 2/4 भाग को। यहाँ देखते रहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ए 16 दिन में 2/3 भाग बराबर ए तथा बी, ए प्लस बी 12 दिन 3/4। तो इस तरीके से मैं एक इक्वेशन बना लिया, जो मैं अभी फार्मूला आपको बताया उसके हेल्प से। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व आपको इसी पे कर देना है, आपको कहीं अलग से नहीं लेके जाना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जितना हो सके उसी क्वेश्चन पे सॉल्व करिए, शॉर्ट करके आपको बाहर से नहीं ले जाना है। देखिए दोस्तों मैं सॉल्व कैसे किया हूँ, ऐसे क्वेश्चन पे सॉल्व किया हूँ। दोस्तों आप ध्यान से सर्कल को देखिए, 2/8 16, यहाँ पे फिर दोस्तों देखिए मैं 3 × 12 किया हूँ, फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैं ये नीचे का जो 4 है इसको मैं सीधे सीधे ऊपर ले गया हूँ, इस 4 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो जो मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, और इस 8 से मैं इस 16 को डिवाइड करा दिया, 8 × 16 2 आ गया दोस्तों। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और ये नीचे का जो 3 है ये ऊपर जाएगा, तो ये सीधे सीधे ट्रांसपोजो के ऊपर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस ए प्लस बी के साथ होगा। दोस्तों नीचे इक्वेशन मैं लिख दिया हूँ, 3a = 2a + 2b। इस तरीके से दोस्तों 3a = 2a + 2b इस तरीके का हमें क्वेश्चन मिला। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस 2a को हम ट्रांसपोज करेंगे, 3a से घट जाएगा, a मिलेगा, और इधर हमको b मिलेगा, कहने का मतलब हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिला a = 2b। अब इसको मैं जो है डिवाइड करवा दूंगा, अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, कहने का मतलब b हम नीचे लाएंगे और 2, तो यहाँ पे a और b का जो रेशियो बनेगा 2 और 1 का बनेगा। दोस्तों जहाँ पे जो ए की एफिशिएंसी होगी वो 2 होगी और बी की एफिशिएंसी 1 होगी। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क अगर मैं इस पार्ट से उठा के निकाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों मैं टोटल वर्क यहां से निकाल लिया, यहां पे ए की एफिशिएंसी 2 मिली, और उसको मैं जो है 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितने भाग काम कर रहा है 2/3, तो 2/3 भाग काम करने में कितना वो वर्क करेगा, कहने का मतलब अब हम इससे 2 को 2 डिवाइड करा दिए, कट गए ये दोनों आपस में, और इसका 16 × 3 = 48, जो कि टोटल वर्क हमें मिला क्या 16 × 3 = 48, कहने का मतलब हमें यही 48 काम हमें बी से अकेले करवाना है। जी हाँ दोस्तों, इस बी से अकेले करवाना है, और हमें पता है कि बी की इफिशियंसी 1 है, यहाँ नीचे बी की इफिशियंसी 1 है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे लिखा है बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सीधे सीधे हम बी के द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों में लेंगे। तो अगर बी के द्वारा बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि बी की एफिशिएंसी 1, हमें टोटल वर्क 48 है, हमें उससे डिवाइड करवा देना, हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको ये ही बताना चाह रहा था कि कैसे ये आया, ये आपको कितने दिनों में करेगा, कितना समय लगेगा, इसका टोटल वर्क आपका 48 है, अब इस 48 को ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ से आपको पता ही है, तो उससे डिवाइड करवा दीजिए, 48/1 = 48 days। 48 डेज में बी जो है करेगा। दोस्तों मैं बताता हूँ, थोड़ा लंबा जाता है ज़रूर, लेकिन आपको ये करने में बहुत शॉर्ट होगा, मैं कैलकुलेशन पहले से करके दे देता हूँ ताकि टाइम ना लगे। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही, मैं उसको आपको, हो सकता है तो मैं, अगर आप कहेंगे तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करके ही नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, नहीं तो मैं इस तरीके से आपको और डिटेल में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको बस यहाँ इक्वेशन सॉल्व करना, जिसको इक्वेशन आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको नहीं आता होगा वो थोड़ा सोच रहा होगा कैसे आ जाता है ये यहाँ पे कैसे, और इसमें आपका कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन कहने का मतलब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना शॉर्ट वे में बता दूंगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन उसके लिए आपको अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आइए इसके हम नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं, इसका नेक्स्ट टाइप
है या कहें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका कुछ अलग, उसमें इसके हर क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, इसके हर क्वेश्चन अलग मेथड पे हैं, आपको हर क्वेश्चन को बारीकी से समझना होगा। टाइप फोर है, यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में ध्यान दीजिए क्रमशः पूछ रहा है, कहने का मतलब ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन समाप्त करते हैं, ये तीनों मिलकर, देखिए दोस्तों मैं अंडरलाइन पहले से कर चुका था, यहाँ देखिए तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर, अभी ए बी की बात होती दो पर्सन थे, अब यहाँ सीधे सीधे तीन की बात हो जा रही है, तो हमें घबराने की बात नहीं, हम जैसे दो पे कर रहे तो वैसे तीन पे करेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तीन पे भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 4 पूछता 8 पूछता तब भी हम निकाल लेते, बस मायने रखता कि किसके किसके बीच रिलेशन दे के पूछ रहा है, तो 3 है तो यहाँ 3 पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन में सीधे सीधे ये टारगेट करना है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसका लोएस्ट एलसीएम निकाले, कैसे लोएस्ट एलसीएम निकाले, अगर आपको लोएस्ट एलसीएम आता है तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे दोस्तों। ये सर्कल वाला पार्ट जी हाँ दोस्तों, बस आप इतने कुछ देखिए, इतने समझिए, यहाँ पे एक ही बात कहा है, ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है, सी 12 दिनों में करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सबको ए बाई 10, बी बाई 15, सी बाई 12 करके किया, और यहाँ हमें पता है इसकी लोवेस्ट एलसीएम इन लोग का क्या होता है 60, यही टोटल वर्क होता है, घबराने की बात नहीं दोस्तों, यही आपका टोटल वर्क होता है। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कि ये सर्कल का भाग आप देखिए, तो आप इस चीज़ को देख ही चुके हैं, यहाँ ए बी और सी, सी इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 60, ये हमारा टोटल वर्क है। अब इस 10 से हम 60 को डिवाइड कर दिए, ए की एफिशिएंसी मिल गई, 15 से बी को डिवाइड कर दिए, 60 को डिवाइड कर दिए, बी की एफिशिएंसी मिल गई, 12 से हम 60 को डिवाइड कर दीजिए, सी की एफिशिएंसी मिल गई, एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, कहने का मतलब इसकी कार्यक्षमता, कितनी कार्यक्षमता से ये इस काम को करेंगे, तो हमें ए की 6 है, बी की 4 और सी की 5, तीनों ऐड कर देंगे, 6 4 10 5 15, इन तीनों की एफिशिएंसी हमें मिल गई, कहने का मतलब हमें इन तीनों की एफिशिएंसी मिल गई, तीनों के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, नंबर ऑफ डेज, ये तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, यहाँ पे आप देखिए नीचे दोस्तों, आप ये देखिए नंबर ऑफ डेज 60 डिवाइडेड बाई 15, अगर दोस्तों यहीं आपसे पूछता कि अगर तीनों के बजाय इन दो से पूछता तो आप ये केवल ए और बी को ऐड करते, 10 से आप डिवाइड करते 60 को, तीनों को मिला के पूछा है ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो सीधे सीधे 15 होगा, आप डिवाइड करा दीजिए इसको, आप कराएंगे 15 चौका 60, 4 डेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए 4 डेज में आपको ये कर जाएंगे तीनों एक साथ मिलकर। नीचे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दिख नहीं रहा था इस वजह से मैं बगल में इसको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ 4 डेज में ये इस काम को करेंगे दोस्तों। आइए मैं आपको इसके नेक्स्ट टाइप पे लेके चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है टाइप 5, आप क्वेश्चन भी इसको कर सकते हैं, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर उस काम को 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों। बस थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, वहाँ पे ए बी सी इंडिविजुअल थे, यहाँ पे ए बी कपलिंग में आ रहे हैं, ए बी के साथ पेयर कर रहा है बी सी के सी और ए के साथ, कहने का मतलब ए सी या सी ए, बात एक ही हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे हमें घबराने की बात नहीं, आप ये पार्ट को देखिए, यहाँ पे आपसे ए बी एक साथ कर रहा है, बी सी दोबारा ले रहा है और उसके बाद सी ए एक साथ ले रहा है या ए सी एक साथ ले रहा है, तो ए बी अगर 10 दिन में किया, यहाँ पे दोस्तों देखिए ए बी 10 दिन, बी सी 15 दिन और सी ए या ए सी 12 दिन, इससे इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ इन दोनों का पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा जो कि हमें पता है ये हमारा टोटल वर्क होता है, तो 10 10 6 60, 15 चौका 60,
12, 25, 60। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान देना है, पिछले क्वेश्चन में ए बी सी अलग थे तो ऐसे इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल के आ गई थी, बट यहाँ पे ए बी का कपलिंग के साथ है, ए बी एक साथ पेयर में लिए जा रहे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। तो इस तरीके से ए बी एफिशिएंसी 6 दोनों के साथ में, बी सी की 4 और इसकी 5। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में ये पेयर के साथ आ रहे हैं, कहने का मतलब एक ही साथ बात किया जा रहा है, तो हम इसको ऐड करा देंगे तभी हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल के आएगी या तीनों की एक साथ निकल के आएगी। ये ऐड कराएंगे, यहाँ से ए ए टू ए हो जाएगा, यहाँ से बी बी टू बी हो जाएगा, सी सी टू सी। तो कहने का मतलब 2 हम अगर कॉमन कर लें तो ए प्लस बी प्लस सी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है, यहाँ से 2A होता और उसके बाद 2B होता और उसके बाद 2C होता और उसी से हम क्या करते, 2 को कॉमन करा लेते, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी साथ में लिख देते, जैसा कि मैं नीचे दिखाया हूँ। यहाँ पे ए प्लस बी 15/2 कर देंगे, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की इंडिविजुअल, कहने का मतलब तीनों की एक साथ कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे ये आ जाएगी। यहाँ पे कहीं कहीं क्वेश्चन में 7.2 आता है, 7. इससे डिवाइड कर देते हैं, ऐसा करने से पॉइंट वहाँ जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगता है या कटने में हमें आगे दिक्कत होगी, तो आप ऐसे ही रखिए, आगे आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसी से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पॉइंट में लेते हैं तो पॉइंट आके थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो आप पॉइंट से वैसे भी भागते हैं, तो यहाँ भागने की बात नहीं है, कहने का मतलब आप चाहे सीधे सीधे लें या फिर पॉइंट में करके लें, आपको काटना तो है। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, नंबर ऑफ डेज कितने दिन में, 60/15/2। यहाँ पे दोस्तों मैं बताया था आपसे कि 15/2 सीधे सीधे नीचे लिखे और 2 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, ऊपर ले गए, 60 से मल्टीप्लाई हो गया, 15 चौका 60, 4 2 8, तीनों मिलके 8 दिन में काम किया। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करता, तो यहाँ पे हम क्या करते, ए को इधर ही रखते 15, या कहते हैं कि 15 को हम डिवाइड करते 7.2 और इधर कर देते माइनस वी, ऐसा समझिए दोस्तों। अगर मैं यही कह रहा था आपसे कि अगर ए से अकेले काम करवाना होता तो हम क्या करते, ए को इधर ही रखते, यहाँ पे 15/2 और इसको ट्रांसपोज करते बी प्लस सी। इस बी प्लस सी को हम इस इक्वेशन से ला के रखते थे, यहाँ बी प्लस सी 4 दे रखा है, हम क्या करते 15/2 - 4, 4 2 8 जो है ऐसे 15 - 15 = 15/2 - 4, 4 2 8 होता 15 - 8/2, कहने का मतलब आप घटाते 7/2, इसकी एफिशिएंसी इतनी आ जाती, आपको 60 से डिवाइड करवा देना होता, यह 60/7/2 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता, फिर इसको काट के आप सही बटे में कोई लाते, तो वो जो है आपको एक ही ए के द्वारा किया गया कार्य पूछता कितने दिनों में किया वो निकल के आता, कहने का मतलब इस तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से आपको निकाल सकते हैं, पूछ भी सकता है, आपको बस ध्यान देना है किसको कितने दिनों में या किससे पूछ रहा है, तीनों के साथ कर रहा है, ए को अकेले करवा रहा है या बी प्लस सी को एक साथ करवा रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। यहाँ तीनों की बात कहा था तो हमने तीनों को उठाया, यहाँ तीनों को एक साथ कहा है, ए बी सी तीनों उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो इस तरीके से हम अपना जो है आंसर बता दिए, यहाँ पे आपको आंसर मिला 8 days। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, याद नेक्स्ट टाइप टाइप 6 है, इसके जितने टाइप उतने अलग अलग तरीके, उतने अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बस बारीकियाँ समझनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक ही बार आप पढ़ते चलिए आपको क्लियर होता जाएगा। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करते, क्रमशः अलग अलग दे रखा है। यहाँ देखिए दोस्तों, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करता है, बी ने शुरुआत की, कहने का मतलब बी ने काम करना शुरुआत किया और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। यहाँ वहाँ तो अभी तक ऐसा दिन की बात नहीं थी, कोई कितने दिन काम करके छोड़ देता है, लेकिन यहाँ 18 दिन तक काम किया, बताएं से इस काम बी कितने दिन में करे, कहने मतलब बीच में 18 दिन करने के बाद ए अपना चलता बनता है, वो कहता है भाई अब तू कर, मैं थक गया हूँ, कहने का मतलब इस तरीके से आगे क्वेश्चन मिलेंगे, ए बीमार हो जाता है या कोई और कोई बात हो जाती है उसके साथ, तो बी से अकेले करवाता है, बी कभी निकल जाता है ऐसे करवाता है,
या इन दोनों को साथ में कुछ दिन रखवा काम करवा के उसके बाद जो है कहता है ये अकेला कितने दिनों में करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से करते हैं, तो इसके डिफरेंट तरीके हैं, आपको क्वेश्चन बारीकी से समझना होगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों आप केवल ये भाग देखिए जिस पे मैं अभी रेक्टेंगल बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए 24 दिनों में किया और बी 40 दिनों में, ए 24 दिनों में बी 40 दिनों में, और इन दोनों की लोवेस्ट जो आएगी जो लोवेस्ट एलसीएम निकल के आएगा वो 120 आएगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा 24 25 120, और यहाँ पे 40 तिहाई 120 आपको भी पता है 0 0 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और यहाँ से 24 25 100। तो इस तरीके से ए की इफिशियंसी 5 और बी की इफिशियंसी 3। दोस्तों ए की इफिशियंसी 5 आई यहाँ से और बी की 3 निकल के आई। तो यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है ए ने काम शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, बताएं शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बी से करवा दे रहा, ए से पहले उसने 18 दिन करवाया, हमें पता है ए 18 दिन तक काम किया है, यहाँ देखते रहिए। और कितनी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी यहाँ 5 है, तो 5 इफिशियंसी से काम किया तो 18 25 90 90 काम हो गया। काम हमें मिला कितना था 120, अब शेष कार्य कितना होगा 120 माइनस 90, आप 90 घटा देंगे आपको 30 मिलेगा, यही शेष काम आपको मिला। जी हाँ दोस्तों, शेष काम बोले तो रिमेनिंग वर्क, कितना आपको बचा हुआ काम है, यहाँ से आपको 30 दे रखा है, रिमेनिंग वर्क आपको 30 है। अब यही बचा हुआ काम बी अकेले करेगा, क्योंकि वो 18 दिन करने के बाद काम को छोड़ देता है या काम को करना बंद कर देता है, फिर बी बचता है, बी से काम करने को कहता है। तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, जी हाँ दोस्तों, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। अब बी से पूछा जा रहा है कि अब तुम कितने दिनों में करोगे अकेले, तो यहाँ श्योर सी बात है, देख सकते हैं दोस्तों शेष काम बी 30 30 था और 30 3 इफिशियंसी से ये करेगा, कहने का मतलब बी के द्वारा किया गया कार्य 30 बटा 3 दहा में 10 दिन बी लगा, कहने का मतलब अकेले अगर यहाँ पे बी की बात किया तो 10 दिन, यहाँ पे मैं 10 स्टेज लिखा, आंसर आपको दे रखा है कि शेष काम बी बताएं कितने दिनों में करेगा। अगर यही क्वेश्चन कहता बी तो कर दिए हम 10 दिन, अगर ये कहता कि ये पूरा काम कितने दिनों में होगा, 10 दिन बी लिया था यहाँ पे, 10 दिन बी ले लिया था और उसके बाद 3 5 दिन पहले से ये ए रखा है, तो कहने का मतलब 10 ये और वो 5, 15 दिन में पूरा काम हो, 15 दिन में, तो कहने का मतलब 15 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर बी के द्वारा अकेला पूछता तो हम केवल यहाँ पे 10 बताते। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में केवल बी के द्वारा डिस्कशन किया है, बी के द्वारा पूछा जा रहा है, तो हमें केवल 10 बताना, नहीं तो हम पूरा पूरा 15 बताते। अगर पूरा पूछता कि पूरा काम कितने दिन हुआ तो हम सीधा कहते 15 दिनों, बस क्वेश्चन को भी ध्यान देना है कि क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों आइए मैं आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट भाग को ले। दोस्तों टाइप 7 में आप देख सकते हैं ए तथा बी क्रमशः एक काम को 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, उन्होंने साथ साथ काम करना प्रारंभ किया या आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, या 4 दिन के बाद बी जो है काम पे नहीं आता, बताएं शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में करें। वहाँ पे 18 दिन तक भी काम किया था, यहाँ 4 दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन वहाँ पे 5 वहाँ पे 18 दिन तक पहले वाले क्वेश्चन में 18 दिन तक अकेले जो है एक काम किया था, लेकिन यहाँ दोनों 5 दिन तक 4 दिन तक बीमारी 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे, उसके बाद छोड़ के चला जाएगा एक। दोस्तों आपको बस यहाँ पे देखना है कि दोस्तों हम क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, यहाँ ए जो है 12 दिन में किया, यहाँ तक देखिए दोस्तों सर्कल पे ए जो है 12 दिन में किया, बी जो है 15 दिन में किया, तो इन दोनों की इफिशियंसी, इन दोनों के लोवेस्ट एलसीएम जो है 60 हुआ, तो टोटल वर्क हम उसी को मानते हैं। फिर दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि ए जो है 12 25 60 और 15 64 60, इस तरीके से बी की इफिशियंसी 4 आ गई और ए की इफिशियंसी 5, इन दोनों की इफिशियंसी अलग अलग आ गई। यहाँ पे दे रखा है आपको इन दोनों की इफिशियंसी अगर मैं एक बार एक साथ जोड़ूँ तो क्या होगी, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी 5, यहाँ से 5 4 9 9 इफिशियंसीज की आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि उन्होंने साथ साथ
ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु ए बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। साथ साथ दोनों 4 दिन तक तो काम किए हैं, तो 4 दिन तक वो 9 एफिशिएंसी से काम करेंगे, 9 × 4 = 36। ठीक है दोस्तों, 36 काम को ये दोनों मिल के कर दिए। अगर मैं शेष काम कहूँ तो मैं 60 से 36 को सब्सट्रैक्ट करवा दूँगा, तभी तो हमें शेष काम मिलेगा। हम सब्सट्रैक्ट करवाएंगे, हमें 24 शेष काम मिल गया। अब इस शेष काम को कौन करेगा अकेले, क्योंकि बी तो बीमारी के कारण 4 दिन बाद छोड़ देगा, तो हमें सीधे सीधे इसको बी से ही करवाना पड़ेगा। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, आइए देखते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ डेज वर्किंग बाई बी, कहने का मतलब जो शेष काम है उसको बी कितने दिनों में करेगा। तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि बचा हुआ काम हमें 24 मिला, डिवाइड बाई 4, क्योंकि बी की एफिशिएंसी यहाँ 4 दे रखी है, 4 से डिवाइड करेंगे, 6 × 4 = 24, 6 दिन में बी अकेले काम कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, मैं नीचे लिखा कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा कि कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, तो आप सीधे सीधे जैसे मैं अगले क्वेश्चन में बताया था कि 10, 5, 15, वैसे यहाँ पे 4 और 6, 6, 4, 10, 10 दिनों में पूरा काम, 10 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट करते हैं। और अगर बी के द्वारा पूछा जाए बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 6 दिनों में समाप्त करेगा, आंसर आपका 6 ही होगा, लेकिन पूरा काम जो है 10 दिनों में होगा। इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। आपको 10 भी दे रखा रहेगा मल्टीपल चॉइस में और 6 भी दे रखा रहेगा, लेकिन बी के द्वारा कितने दिनों में पूछ रहा है, तो आपको केवल 6 बताना है, न कि 10। और अगर पूछेगा पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो आप बताएंगे 10, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए हम इसके नेक्स्ट टाइप पे लेके चलते हैं। दोस्तों नीचे आप देख रहे होंगे इसका 8वां टाइप है, या 8वां क्वेश्चन कर सकते हैं, या तरीका समझ सकते हैं। इसके जितने टाइप हैं उतने तरीके से ये सॉल्व होगा, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा रहेगा या पूछा जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आपको क्वेश्चन बारीकी समझना है, बाकी आप सब कर जाएंगे। बस यहाँ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ दे रखा है टाइप 8 में 1 और 2 क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ, एक ही तरीके था, तो मैं कहा चलो बता देता हूँ। और जितने अभी मैं क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये आपका MTS में पूछा है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा था, और डिफरेंट तरीके के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं जितने अभी क्वेश्चन उठाया सब आपके पूछे गए थे। जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था 4 दिन बीमारी के कारण, वो आपका पूछा गया था MTS में, और वो आपका इसमें CSSL में पूछा गया था, SSC CSSL में। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्वेश्चन बड़ा लगेगा, आप छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आपको सार्टिक तो पता नहीं। आप सीधे सोचेंगे यार इतना लंबा कौन करेगा, ये भी कर रहे हैं फिर 4 दिन बाद छोड़ दे रहा है, ये क्या इन लोग का चक्कर है। तो इस तरीके से आप घबरा के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन जो जानता है, जो किया हुआ है, उसको आसानी से कर देगा, उसका गेटअप कर देगा नंबर, वो आसानी से नंबर स्कोर कर लेगा। आप छोटे छोटे सरल क्वेश्चन छोड़ के आएंगे और उसी सरल पे कोई अच्छा काम करेगा, तो आप सीधे सीधे कंपटीशन से दूर होते चले जाएंगे। यहाँ दे रखा है 5 आदमी 12 दिनों में 60 रुपया कमाते हैं, 6 आदमी 20 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे। सीधे सीधे अगर हम मान ले कोई X रुपया 20 दिनों में कमाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे समझना, ये बहुत शॉर्ट है, ये इजी है। यहाँ पे देखो फार्मूला जो मैं अभी इसके आगे बताया वो यहाँ लिखा भी हूँ, M1H1D1/W1=M2D2/S2/W2। इस फार्मूले की हेल्प से हम आसानी से इसको बना दें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ पे कह रहा है 5 आदमी 12 दिनों में 60 रुपया कमाए, कमाने का मतलब उन्होंने इतना काम किया, उसका रिजल्ट मिला, कितना रिजल्ट मिला, 60। यहाँ वर्क की बात करते हैं तो 5 आदमी 12 दिनों में जो है किसी काम के इतने भाग को किए, कहने का मतलब ऐसे ही है, यहाँ पे उन्होंने 60 रुपया कमाया। 6 आदमी 20 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे, हमने माना 1 रुपया कमाएंगे, सीधे 6 आदमी 20 दिनों में 1 रुपया कमाएंगे। सीधे सीधे देखो दोस्तों, यहीं पे मैं काट दे रहा हूँ, 12 × 25 = 60, ये 5 से कट जाएगा, 6 × 2 = 12, 120 रुपया यक्ष ने कमाया, या कहें को वो कितना रुपया कमाए, 120 रुपया कमाए, कितने आदमी, 6 आदमी 20 दिनों में 120 रुपया कमाए।
तो ये आसानी से था, आसान भी था, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिसको नहीं पता है ये भी छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सॉल्व कहाँ से होगा, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ एंड करें। उसी तरीके से इसका अगला क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट किया हूँ, टाइप टू क्वेश्चन नंबर टू, 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, कितने आदमी उसी काम के मैं बताया था, वही काम, उसी काम, किसी काम, पूरा काम, जो भी है सब एक काम मानते हैं, ठीक है। तो उसी काम के एक बटा, कहने का मतलब एक काम के एक बटा पाँच भाग को 15 दिन में करेंगे, कितने आदमी, कहने का मतलब कितने आदमी। यह नंबर ऑफ मैन पूछ रहा है, नंबर ऑफ कहने का मतलब आदमियों की संख्या पूछ रहा है कि कितने आदमी इस काम को करेंगे। दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं, नीचे मैं आपको थोड़ा सा और जो है क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देखिए कि किसी काम को मैं बताया था, किसी काम को हम पूरा एक काम मानेंगे, वहाँ पे हमने माना कि यक्स आदमी हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 300 आदमी 16 दिन में किसी काम को, मतलब एक पूरा काम, एक मैंने इसलिए लिखा यहाँ इक्वल टू यक्स मल्टीप्लाई 15। और देखिए यहाँ पे यक्स क्यों लिया, क्योंकि यक्स आदमी हमने माना, यक्स आदमी कितने आदमी, यक्स आदमी किसी काम के एक बटा पाँच भाग को किए। तो सीधे सीधे हम यहाँ से देखिए कैसे काटेंगे, बस बारीकियाँ आप देखिए, मैं क्वेश्चन को लेंदी नहीं करना चाहता, स्टेप टू स्टेप बहुत ले जाऊँ मैं, जितना हो सकता है मिनिमम या कहें कम से कम जगह में या कम से कम समय में सॉल्व करना मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो मैं और आसानी से बहुत जल्दी आंसर कर देता। यहाँ पे 15 टू जा 30, कहने का मतलब 15 दूना 30 हुआ, आपको एक जीरो यहाँ मिला 20। अब आपको ध्यान देना, ये 5 ऊपर जाएगा, यहाँ 5 आएगा, अब यही 5 इसको काटेगा, 5 चौका 20, अब ये 16, यहाँ देखिए मैं ऐसे लिखा हूँ मल्टीप्लाई, इस 16 का 4 से मल्टीप्लाई कर, 16 चौका 64। जी हाँ दोस्तों, यक्स बराबर 64 आदमी, सीधे सीधे इसी क्वेश्चन में मैं बना दिया, कहीं नहीं ले गया, पर मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं खींचना था, इसी क्वेश्चन में मैं कट कर दिया, नहीं तो इसको सॉल्व करता नीचे से 5 ऊपर ले जाता, फिर उसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई कराता, 15 25 75 करता, फिर इसको काटता 16 3 48, फिर बहुत लेंदी ले जाता। सीधे सीधे आपको नहीं, आपको लोवेस्ट बना के ही इसको सॉल्व करना है, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बना के सॉल्व करना, जितना हो सके आप मिनिमम बना के सॉल्व करिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर पाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों लाइक करना ना भूले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरे अपने फ्रेंड को बताइए और अपने मित्र को बताइए और आपके जो करीबी हैं उनको बताइए, ताकि उनसे ये मेरा कहने का मतलब शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, ताकि वो भी इससे अवेयर हो जाएं और वो उनका भी टाइम बचे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं इसके और तरीके लेके आऊँगा, जिसमें आपको इसके जो भी क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट थर्ड में मैं लेके आऊँगा। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं बेशक आपके क्वेश्चन को, आपको आपके क्वेश्चन, आपके डाउट को मैं क्लियर करूँगा। दोस्तों बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।